मेरे मन हो हम आप ऐसे पुण्य विचार सुख विचार शाश्वत विचार को पहचानने के लिए यहाँ बैठे हैं, ऐसा मेरा विश्वास। इसके लिए आप सबकी अनुमति मिलेगी, इस पर भी मैं विश्वास करता हूँ। उसके आधार पर अभी हमको हमसे ये अपेक्षा की गई है, स्वत्व स्वतंत्रता स्वराज। स्वत्व क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है और स्वराज क्या होता है, इस बात की आवाज मैं समझता हूँ आप बाल वृद्ध सुनते ही रहते हैं। तो स्वत्व को स्वत्व की बात बहुत सुनते आए हैं, तो स्वतंत्रता की भी बात सुनते आए हैं और स्वराज की बात भी सुनते आए हैं, किंतु समझ में एक पूंजी भांग नहीं आया। अभी हमारा देश में 50-60 वर्ष पहले स्वतंत्रता की बात जो मैंने सार्थक हुआ माना गया, किंतु अभी तक हमको ये समझ में आया नहीं हम 87 वर्ष की शरीर यात्रा में हैं। मुझको अभी तक समझ में नहीं आया है कि हम क्या स्वतंत्रता पाए, क्या स्वतंत्र स्वराज्य पाए, क्या स्वत्व मिला, इस बात को हम अभी तक समझ नहीं पाया। आप लोग कोई समझे होंगे हमको समझा देना, हम समझने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यदि समझ में नहीं आया आपको भी मुझको भी ऐसा मान लिया जाए, मैं जो अनुसंधान किया हूँ, सहअस्तित्व को देखा हूँ, सहअस्तित्व में जिया हूँ और सहअस्तित्व के प्रति हमारा विश्वास 16 आना, इसके आधार पर ऐसे ही आप लोगों में भी 16 आना हो ऐसा मेरा कामना है। ऐसा कोई थोपना नहीं है, आप में भी ऐसे ही रहता हूँ, जिससे हम स्वत्व को भी समझ सकते हैं, स्वतंत्रता को भी समझ सकते हैं और स्वराज को भी समझ सहस्तित्व को समझे बिना ना स्वत्व समझ में आएगी, ना स्वतंत्रता समझ में आएगी, ना स्वराज की आना तो बहुत दिल्ली। इस प्रकार से हम देखा, इसको समझा, इसको अच्छी तरह से भोगा, इसमें हम खुशहाली मनाया है। और पहले मुद्दा स्वत्व की बात है। स्वत्व हर मानव के साथ समझदारी के रूप में बैठा है, समझदारी के रूप में सभी चीज, समझदारी आ गया है, समझदारी के रूप में प्रमाण है, नहीं तो समझदारी सतत आबाल वृद्धि के लिए समीचीन। समीचीन का मतलब ये है हमारा पासे रहता है, ऐसे अवसर बनाए रहता है, अवसर टूटता नहीं। हम समझदार होने के लिए जो अवसर है आदिकाल से रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसीलिए मानव परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी समझदार हो सकता है, ये तय होता है। यदि एक जगह में कहीं सिमट जाता है आगे नहीं होता, ठीक है, कहीं मिलने वाला नहीं होता, हम आशा नहीं कर सकते। जिसको हम आशा ही नहीं कर सकते वो मिलवो नहीं करेगा, जो मिलने वाला है उसी के प्रति हम आशा कर बैठे। आप हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका हालत ऐसे, आप हम चाहते क्या है, स्वत्व समझ में आए। क्या स्वत्व है भाई, समझदार ही स्वत्व है। सब छोटी सी बात, कोई बड़ी हिमालय नहीं। स्वत्व के बारे में परसों आपसे निवेदन किया है, समझदारी मानव का, मानव परंपरा का शाश्वत सत्व। क्या बात है, समझदारी मानव का शाश्वत सत्व है। ये कभी मानव से विलगीकरण हो नहीं सकता। यदि समझदारी एक बार आता है वो सदा सदा के लिए रहता है। अभी तक आप किस बात को सत्व मानते रहे, अरे चोरी करके आया 10 पैसा उसको हमारा सत्व मान, और प्रतिफल के रूप में 10 रुपया ला लिया उसको हम सत्व मानते हैं, या किसी ने हमको दान दे दिया उसको हमारा सत्व मानते हैं, हम किसी ने सम्मान दे दिया, सम्मान पूर्वक दे दिया, तभी भी उसको हम सत्व मानते हैं। ये जो जितने भी प्रकार से हम तीनों प्रकार से प्रतिफल पारितोष और पुरस्कार रूप में जितने भी हम पाते हैं वो सत्व रूप में रहता नहीं, वो कहीं ना कहीं स्थानांतरित हो ही जाता।
अभी तक किसी आदमी के पास कोई भी वस्तु स्वत्व रूप में स्थिर होता हुआ देखने को नहीं मिला। वो आज यदि है कल वियोग होता है। अभी हम बड़े बड़े घराने में बड़ी बड़ी खनाट की घरानों में बात को धन को एकत्रित करते हैं कि तो वो धन जो है ना एक दिन दूसरे के हस्तांतरित हो ही जाता, वो अपने साथ रहता नहीं। ये तो सभी को ही जानते हैं, शरीर छोड़ने की बात जितने भी भौतिक संसार की वस्तु है ये धरती के साथ ही चिपका रहता है। ये मर गए आदमी उनके साथ भागता नहीं, इसको आप हम सब देखते ही। यदि इसको देखते हैं पता लगता है भौतिक वस्तु में हमारा स्वत्व हो नहीं सकती, इसका वियोग होके रहेगा, इसका उपयोग होके रहेगा, ये मटके ही रहेगा, खर्च होके ही रहेगा, इसको हम निर्णय ले सकते। यदि इस बात पर हम राजी हो पाते हैं तब हमारा स्वत्व रूप में होने वाली समझदारी परम वैभव है और इससे अधिक हो नहीं सकती, इससे कम में हम तृप्त हो नहीं सकते। समझदारी अपने में परिपूर्ण होना पाया जाता है। समझदारी के बारे में आपसे अनुनय विनय किया है कि सहस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान हमको पूर्णतया समझ में आना है तब हम समझदार बने, और जीवन ज्ञान पूर्णतया समझ में आना है तब हम समझदार बने, मानवतापूर्ण आचरण पूरा समझ में आना है वो समझदार बने। ये तीनों मिलकर के हम समझदार बने, तीनों धार मिलकर के ये त्रिवेणी संगम में हम समझदार बने। ऐसी समझदारी शाश्वत रूप में रहता है, शरीर रहते रहे समय में भी रहता है, शरीर के बाद भी रहता है, परंपरा के रूप में और पुनः शरीर ग्रहण करेंगे हमको अवेलेबल रहता है, पास में ही रहता है, हमको मिल ही जाता है। इस प्रकार से मैं देखा ये इसकी आवश्यकता है या नहीं, इसको आप हमको मिलकर के तय करना होगा। यदि परंपरा के रूप में रहना है आपका सर्वसम्मति स्वीकृति ये दोनों की आवश्यकता बनती, तो हम यदि स्वीकार करते हैं तब उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जिसको हम स्वीकार करते नहीं कुछ भी प्रयत्न नहीं करते, कुछ भी नहीं। ये हम हमारे में भी वही गुण है, आप में भी वही गुण है, सर्व मानव में एक गुण है, जो जिसको हम आवश्यक मान लेते हैं उसके प्रति जी जान लगाते हैं, जिसको आवश्यक नहीं समझते हैं उसके ओर देखते तक नहीं बात है। इसी में बहुत सारे विधियाँ बनी हुई है, बहुत प्रकार से हम प्रयोग किया है करके अंतगत्वा स्वत्व को पाया है। कुल मिला के क्या ना क्या हो गया, अभी तक किसी ने कोई स्वत्व को पाया, क्या स्वत्व को नहीं पाया, समझदारी रूपी स्वत्व को पाया। कैसे मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि अभी तक शिक्षा विधि से आया नहीं है, व्यवस्था पहचाना नहीं, क्या सुना, शिक्षा में आया नहीं व्यवस्था पहचाना नहीं। इस गवाही के साथ मैं कह रहा हूँ अभी तक मानव परंपरा में समझदारी आवे नहीं किया। ये बहुत ही ऐसा लगता है एक कठोरता के साथ भी इसको गणना किया जा सकता है, एक हकीकत के रूप में भी गणना किया जा सकता है। इसको मेरा आर्जू यह है जो सच्चाई है उसी को स्वीकारा जाए, उसमें ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया जाए, कम भी नहीं किया जाए। अभी तक परंपरा में शिक्षा में कोई सच्चाई का सहस्तित्व रूपी अस्तित्व को समझाने का कोई गुंजाइश नहीं। अभी यहाँ शिक्षाविद बहुत सारे बैठे होंगे, वो अपने अपने ढंग से इसको समर्थन दे सकते हैं, और कोई भी ऐसा स्थिति नहीं बना है जीवन को समझ गए हों, जीवन को समझाते हों शिक्षा में, ऐसा भी नहीं। हम अभी तक शिक्षा में जीवन को यही मानते हैं, शरीर को जीवन मानते हैं, शरीर को क्या जीवन मानते हैं, संवेदनाएँ व्यक्त होते तक जीवन मानते हैं शरीर को, संवेदनाएँ व्यक्त नहीं होते हैं तब मृत्यु मानते हैं, तो ऐसा माना गया है, परंपरा ही ऐसा है, इतना ही परंपरा का ज्ञान है, इससे ज़्यादा हुआ नहीं। इसमें इस बीच में हम एक कहना चाह रहे हैं, मुझको सहस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान हमारे पास पूरा का पूरा, हम समझा हूँ, मैं पारंगत हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। पहला सत्यापन यह है, दूसरा सत्यापन यह है, हम जीवन को भले प्रकार से समझा हूँ,
उसको आपको समझाएंगे, मेरे पास समझाने का गुण है, ये हम सत्यापित कर रहे हैं। तीसरा बात, हम मानवतापूर्ण आचरण को बराबर समझें, उसको आचरण करके देखें, इसमें आपको समझा सकता हूँ, ये मैं सत्यापित कर रहा हूँ। ये कुल मिलाकर के तीन प्रकार से हम समझदारी का धारा पहचाने हैं। इन तीनों प्रकार की धारा एकत्रित होने से हमको समझदारी के पक्ष में हमारा तृप्ति बन जाती है। इस आधार पर तो समझदारी के अनुसार योजना, कार्य योजना, फल परिणाम, समाधान, समाधान निरंतर बना रहता है, इसीलिए हमें तृप्त रखना है। इसी प्रकार से मेरा विश्वास है आप सब तृप्त होने के अर्थ में ही है। कोई भी यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है, यहाँ यहाँ बैठा नहीं है, उनमें भी ऐसा नहीं है जो तृप्त होना नहीं चाहता। ऐसा कोई आदमी होता ही, आबाल वृद्ध तृप्त होने के लिए बैठे, तृप्त होना चाहते हैं। यदि तृप्त हुए ही, तृप्त नहीं हुए तो होने के लिए बैठे, ये ऐसा मैं स्वीकार। इसमें कोई रद्दो बदल करने की यदि सलाह होती है उसको हम शर्माधारी करूँगा, समझा सकते हैं हम। तो कुल मिलाकर के समझदारी परिपूर्ण होना ही बात। अब सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान के प्रति थोड़ा सा हम इशारा करना चाह रहे हैं। तो पहले दिन हम इस बात पर काफ़ी दूर तक समझाए थे। तो वैसे अस्तित्व में एक व्यापक वस्तु दिखती है जो हमको समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है, वो है आप हमारे बीच की दूरी के रूप। यही वस्तु हर परस्परता के बीच में दूरी के रूप में दिखाई पड़ती है, आँखों को दिखाई पड़ती है, समझ में आता है। तो दूसरा विधि इसी दूरी की वस्तु में, दूरी के रूप में जो वस्तु है इसी में हम डूबे रहते हैं, घिरे रहते हैं, ये भी समझ में आता है। तीसरा भाग जो शक्ति संपन्न ऊर्जा संपन्न है, इस बात का गवाही है मनुष्य में ज्ञान रूप में ऊर्जा है, और सभी जड़ वस्तु में चुंबकीय बल के रूप में ऊर्जा। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जड़, इसमें जड़ चैतन्य चैतन्य प्रकृति में ऊर्जा संपन्न ना। इसके आधार पर साम्य ऊर्जा सबके लिए प्राप्त है, ये हमको बोध होता है। ये क्या चीज है साम्य ऊर्जा? व्यापक वस्तु साम्य ऊर्जा। इस क्रम इस बात को हम अच्छी तरह से समझा हो, इस ये समझना की जरूरत कैसा पड़ोगे, इसका क्या प्रयोजन है पूछा, हम व्यवस्था में जीने में हम समर्थ हो जाते। ये समझ में आता नहीं आता है तब तक हम समय व्यवस्था में जिएंगे, ये बिल्कुल शतशः सत्य। तो परिस्थिति के अनुसार हम जिएंगे। मानव में जितने भी परिस्थितियाँ जन्म दे रहा है, प्रकट हो रहा है, वो सब समस्या के ओर जा रहा है। कब से? जंगल की युग से, ग्राम युग से, राजयुग से, ये सभा युग से तक में जितने भी समय व्यतीत हुई है, ये पूरा का पूरा हम समस्या को पैदा करने के लिए परिस्थितियां निर्मित करते हैं। हर परिस्थितियां समस्या को ही जोड़ता है, समाधान को जोड़ने का। इसीलिए हम परंपरा में समस्याएं एक पीढ़ी में एक हो, दूसरे पीढ़ी में दो हो गए, तीसरे पीढ़ी में 200 हो गए, चौथे पीढ़ी में 2000 हो गए, इस ढंग से समस्या से गिरते जा रहे हैं। उसको तत्कालीन राहत चाहिए, तत्काल इसका राहत चाहिए। समाधान के अलावा तत्काल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है, आप सोच इसके बारे में भी कई लोगों का ऐसा सवाल है कि तत्काल किस राहत चाहिए, तत्काल का राहत समाधान के अलावा क्या होगा, दीर्घकालीन समस्या का कारण, समस्या का समाधान, समाधान के अलावा क्या होगा। समाधान के सामने तत्काल दीर्घकाल दोनों गायब हो जाता है। समाधान से तत्काल भी समाधान है, दीर्घकाल तक भी समाधान, ऐसा बात बनता है। इसके इस विधि से हम समाधान संपन्न होने का बात तो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को अपने में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों गम्य नहीं, हाथ से छूने में नहीं आता है, ठीक है, और जीभ से चखने में नहीं आता है, नाक से सूंघने में नहीं आती है,
ऐसे चीज को अपन इंद्रिय गम्य नहीं करते तो समझ में आना सच्चाई समझ गया। इंद्रिय गम्य होता ही है, उसको भी समझना ही पड़ेगा। उसका प्रयोजन आँखों में दिखता नहीं। हर इंद्रिय गम्य वस्तु का प्रयोजन आँखों में दिखता नहीं, चक्षु गम्य नहीं है, ये केवल समझ में ही आता है। इसमें इंद्रिय गम्य वस्तुओं में जैसा गर्म है, गर्म जो है समझता कौन, समझता जीवन है, वो समझने वाला जो भाग है आँखों में आता नहीं। गर्मी आँखों में आता नहीं, ठंडी आँखों में आता नहीं, ठीक है, तो मीठा आँखों में आता नहीं, खट्टा आँखों में आता नहीं, जो हम ऊर्जा समझते हैं। तो हमारे इंद्रिय गम्य वस्तु में भी जो समझने वाला प्रयोजन शेष रहता है, समझे बिना हम प्रयोजनों को इंद्रिय गम्य कह भी नहीं सकते। एक तो बात हो गई, पिस्टन से आँखों में दिखता है, यदि समझ में नहीं आता है हम देखा नहीं, समझ आँखों में दिखता है, समझ में आता है, प्रयोजन समझ में आता है, इस ढंग से हर वस्तु में हम जाते। इसी प्रकार आँखों में दिखता नहीं है वो, किंतु प्रयोजन समझ में आता है, तभी भी हम समझते हैं। इसी प्रकार व्यापक वस्तु का होना हम आँखों में भी देखते हैं, समझ में भी आता है। या वस्तु में ऊर्जा संपन्नता देखने को भी मिलता है और समझ में भी आता है। इस प्रकार से समझ में आकर देखने को मिलना, देखने को आकर के समझ में आना, कई कुछ पदार्थ, तो इंद्रिय गम्य जितने भी पदार्थ हैं वो सब जब बस देखने की बात समझ में आता है, तो इंद्रिय गम्य नहीं है वो सब समझने की बात देखने को मिलता है। जैसा हम व्यापक वस्तु को समझ गए, इसीलिए आप हमारे बीच की दूरी के रूप में हम देख गए दिखते हैं। यदि व्यापक वस्तु को समझे नहीं है, उनको आप हमारे बीच की दूरी के रूप में है, ऐसा सत्यापित करना बनेगा, ठीक है। अब कहा जा सकता है आप बोल दिया इसीलिए इतने लोगों का बीच में, सभी बोल सकते हैं, समझा नहीं पाएंगे। जितना प्रश्न बनती है इसके ऊपर, वो उसको सबको सामना करना अनुभव के बिना बनेगा। हर वस्तु में ऐसे खट्टा हो मीठा हो, अनुभव के बिना दूसरों को समझाना बनता है। उसी प्रकार से व्यापक वस्तु सबके साथ ये आर पार है, इस बात को समझाना तभी बनता है जब बाद में अनुभव किया है। तो इस ढंग से व्यापक वस्तु को हम अनुभव के स्तर पर देखते हैं, समझते हैं और उससे सुख पाते। कैसा सुख पाते हैं, हम स्वयं व्यापक वस्तु में डूबे हैं, भिगे हैं, घिरे हुए हैं, इसका पहला सुख है। उसके बाद यह होती है जीवन ज्ञान से यह बनता है, मरने कटने वाला जो भय होती है वो खत्म हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, ऊर्जा संपन्नता, हम ज्ञान संपन्नता के रूप में ऊर्जा को पहचानते हैं मानव में, इससे ज्ञान जो है ना ईश्वर के रूप में हमको प्राप्त है, व्यापक वस्तु के रूप में प्राप्त है, सत्य के रूप में प्राप्त है, ऐसा हम मान सकते हैं। ये तो ये सुख है। उसके बाद जैसा ही हम इसमें जाते हैं जीवन ज्ञान में, जीवन ज्ञान यदि हाथ लगते हैं मनुष्य के हाथ, मरने का भय से मुक्ति मिलती, मरने का भय से मुक्ति मिलता है, तो और तो भय अपने आप से खत्म हो जाता है। प्राण भय के साथ मान भय, धन भय, इन दोनों भय खत्म हो जाता है। धन भय के बारे में जो कहा था, कोई भी ऐसा धन का राशि नहीं है जो स्थानांतरित अथवा हस्तांतरित नहीं, अभी तक ऐसा कोई धन को देखा नहीं है, तो हस्तांतरित होता ही है, स्थानांतरित होता ही, इसीलिए स्वतो होना होता है। स्वतो क्या होगा, समझ। समझ क्या है, सहस्तित्व रूपी अस्तित्व और जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होने से क्या होता है, हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीता। इसमें आचरण ज्ञान होने से, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान होने से अखंड समाज सूत्र व्याख्या, अखंड सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या, दोनों स्वरूप में हम जी पाते। इसमें जीने से क्या होगा, समाधान।
ठीक है, भय मुक्ति होने से समाधान, ज्ञान होने से समाधान, तीनों स्थितियों में हम समाधान संपन्न होते हैं। फलस्वरूप हमारे जो कार्य व्यवहार का फल परिणाम समाधान ही होता है। तो तू समझदार आदमी गलती नहीं करता, गलती करता है तो समझदार नहीं है, इतना ही ना। इस ढंग से हम एक ऐसी अच्छी कसौटी को पाते हैं तो हम जब तक जैसा परीक्षण करेंगे कहीं गलती दिखती है समझा नहीं है इसीलिए गलती किया, यहाँ पहुँचते हैं तुरंत उनको समझाने के रहता अपने पास रहता ही करता। इस ढंग से हम लिखा है मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान लिखा है, उसमें लिखा है जो यदि गलती होती है अपराध होता है उसका सुधार ही दंड है। दंड का मतलब है सुधार, दंड का मतलब नहीं है यंत्रणा, तो दंड का मतलब है सुधार। ये तो ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, ऐसा यदि सद्बुद्धि अपने में उपज सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि उपज जाए वो कैसे हो सकता है आप ही सोचिए, मेरा विश्वास ये सद्बुद्धि सब में उपज सकता है। यदि ऐसा उपज जाए तब ये धरती पर संकट का, संकट का हवा हो जाता है, कहीं दिखेगा नहीं, वो सदा सदा समाधान ही दिखेगा संकट के स्थान। ये हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, कभी भरोसा ही दिलाना बनता है, इसको हम आप हमारा अथक प्रयास से शिक्षा विधा में व्यवस्था विधा में प्रकट करना आवश्यक है, तब सबके लिए सुलभ होता है। व्यवस्था और शिक्षा में जब तक नहीं आएगी तब तक सर्वसुलभ होगा ऐसा मेरा विश्वास नहीं। जैसा भी अपन कुछ लोग सज्जन लोग मिलकर के कोई अच्छा काम करने के लिए संकल्प, अच्छा काम करने के लिए विचार, अच्छा करना अच्छा काम करने के लिए अध्ययन करने के लिए इच्छुक सब बैठे, इन इन अच्छा काम करने के लिए क्या होगी, हम 10 साल व्यक्ति को 50 व्यक्ति को 100 व्यक्ति को हम हमारे जैसा समझदार बना दें, किंतु 700 करोड़ आदमी है धरती पर, इन सबके लिए कैसा पहुँचेगा। उसके लिए मेरा विश्वास तो अभी भी ऐसे ही है कि ये शिक्षा विधि से ही पहुँचे। शिक्षा विधि से पहुँचाने के लिए हमारे में वो सबूत जरूरी है, शिक्षा के ढांचा खाचा है, तरीका तौर तरीका है, उसमें इन इस वस्तु को एक बहाने की आवश्यकता है। हम एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपने ढंग से प्रस्तुत किया हूँ, इसको और अच्छे ढंग से आप लोग प्रस्तुत करेंगे ऐसा मेरा विश्वास बनेगा, क्योंकि आगे पीढ़ी आगे है। उसके बारे में परसों के दिन ये बताए थे, हम जो कुछ भी समझा रहे उसको आप समझ ही सकते, और उसके बाद आपका कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता बना ही रहती है, उसको जोड़ने पर हमसे जो समझे उससे ज़्यादा आप हो जाते। इस ढंग से उन्होंने भी नहीं किया था, फिर पुनः उसको आप स्मरण दिलाए, इस ढंग से आगे पीढ़ी आगे और ज़्यादा होने की संभावना, ज़्यादा अच्छा होने की संभावना बनी हुई है इन सिद्धांत के आधार पर। दो सिद्धांत, आगे पीढ़ी आगे होने का, जो हमसे जो समझा हमारा जो संपूर्णता थी उसको समझ पाया, और उसके बाद उनका कल्पनाशीलता कर्म से स्वतंत्रता को जोड़ा हमसे ज़्यादा हो गया। इतना ही बात, इतने बात को आप हम सब अच्छी तरह से परख सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह से एक सूची बना सकते हैं, इस पीढ़ी में इतना काम हुआ, इतना अच्छा काम हुआ, फिर आगे पीढ़ी में इतना अच्छा काम हुआ, इस प्रकार की बनती है। अभी क्या सूची बनती है कि इस पीढ़ी में इतना बदमाशी हुई, बेवकूफ़ी हुई, दंड फंद हुई, जाली प्रकरण हुई, ये सब सूची बनती है, उसके बदले में अच्छे काम को क्या भी सूची हो सकती है, ऐसा मेरा। अभी सोच के बारे में ही बात करना है, अब काम के बारे में आगे बात करेंगे थोड़ा सा, 1-2 वर्ष के बाद काम के बारे में भी बात करेंगे, अभी सोच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये इस तक से हमारा स्वत्व क्या चीज़ हुई इस पर हम ध्यान दिलाए, ये शायद है हाँ यहाँ बैठा हुआ भूमिशील सभी व्यक्ति के लिए समझ में आया होगा, समझदारी हमारा पूर्ण अभ्यास है, ये जीवन में निहित होती है समझदारी, ठीक है। और शरीर के साथ संवेदनाएँ व्यक्त होती,
शरीर के साथ सच संवेदनाएं, आज के अभी क्या संवेदना है हमारा, जो बोलने की संवेदना कुछ समय तक ठीक लगता है, उसके बाद थका हुआ हो जाता हूँ, सदा के लिए तैयार नहीं हूँ शरीर, इसीलिए हमारा शरीर जो है ना स्वत्व के रूप में नहीं, सदा के लिए ये कामे नहीं कर सकता है, वो स्वत्व कहाँ से होगा, माने शरीर को स्वत्व के रूप में हम पहचान नहीं पाएंगे, स्वत्व भी एक आखंड उपलब्धि है, संयोग है, वो जबकि जब तक शरीर स्वस्थ रहे चलता है तब तक हमारा जागृति को संसार में प्रकट हम करेंगे, ऐसा जीवन का संकल्प होना ही समझदारी का मतलब, इस ढंग से हम अच्छे ढंग से जी पाएंगे, अपराध मुक्त विधि से जी पाएंगे, उपकार विधि से जी पाएंगे, समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाएंगे, इस अर्थ में स्वत्व को पहचाना है, ठीक। उसके बाद स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की जो पालियाँ है तो थोड़ा सा उसमें लगता है मनुष्य जो है ना ऐसा भी कर सकता है तैसा भी कर सकता है, ये सब स्वतंत्रता में ये कैसा झलक पड़ता है, उसके बारे में हम आपको अनुनय करना चाहते हैं समझदारी के बाद, और अच्छा और अच्छा और अच्छा के लिए सोचना है कुल मिलाकर के स्वतंत्रता, और सही और जो और अच्छा के लिए सोचने की जो ताकत है ये ही हमारा स्वतंत्र, ये उपकार के साथ है जुड़ा कर, उपकार हम इतना करते हैं कल उतना करते हैं परसों उतना करते हैं और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं और अच्छा, इस ढंग से जो चलने वाला गति है इसको हम कहते हैं अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब सर्वतोमुखी समाधान है, तात्विक नाम तात्विक स्वरूप में एक सच्चाई के स्वरूप में समाधान ही है, किंतु हम समाधान को व्यक्त किया हमसे जितना अच्छा लगा उससे अच्छा आप प्रस्तुत कर दे, आपसे अच्छा आप प्रस्तुत कर दे, आपसे अच्छा आप प्रस्तुत कर, मूलतः समाधान ही है, समाधान होते हुए भी हमसे अच्छा आप प्रस्तुत कर सकते, ये हमें मैं विश्वास रख करके आपके पास बैठा, इस ढंग से हमारा स्वतंत्रता का स्वरूप, स्वतंत्रता का वैभव, स्वतंत्रता का महिमा, स्वतंत्रता की जरूरत किस ढंग से है, अभी जितना अच्छा हम व्यक्त हुए समाधान को उससे अच्छा कल, उससे अच्छा परसों, उससे अच्छा तरस, इसका नाम है स्वतंत्र, स्वतंत्रता की बात है सब, जबकि हमारा देश में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त वो कहाँ पहुँचा है दिया, हर गलती करने में स्वतंत्र, सभी को गलती करने का स्वतंत्रता प्राप्त हो और अपराध करने का स्वतंत्रता प्राप्त हो, अभी सभी व्यक्ति अपराध होने की बात समाज का परंपरा का कहाँ पहुँचेंगे, वो ठीक है आदमी तो दुख हो गएगा कठिनाइयाँ भोगेगा ये भी मान ले, इस बीच में धरती बीमार हो गई, धरती बीमार हो गए तो हम आगे पीढ़ी को क्या दें, हम तो मजा मार लिया किंतु आगे पीढ़ी को पीड़ा नहीं कर दिया, ये बात तो आएगा ये अभिशाप के अभिशाप से संपन्न होने के लिए योग्य हो ही चुके हैं पीढ़ी, मैं मेरा सोचना ऐसा है, इसमें जो काफ़ी बुजुर्ग पीढ़ी जो है ना काफ़ी इस अभिशाप के योग्य हो चुके हैं, क्योंकि जो कुछ भी किया मानव कृति के आधार पर ही धरती बीमार हो गई, ये कहते हैं हमने किया ऐसा कुछ नहीं, कृतकारित अनुमोदित भेदों से मनुष्य हर अपराध के साथ जुड़ा है, राजनैतिक अपराध हर व्यक्ति उस राज्य के आदमी जुड़ा है, धर्मनैतिक अपराध उस समुदाय के हर आदमी जुड़ा है, आर्थिक अपराध उस समुदाय के हर आदमी जुड़ा है, ठीक है, सामाजिक अपराध हर उस समुदाय के सभी आदमी के साथ जुड़ा है, वो कोई छटक करके कहीं भाग नहीं पाता, सभी आदमी अपराध के भागीदारी के रूप में आ जाए, 700 करोड़ आदमी का अपराध का फलन है, धरती बर्बाद हो गई है और बीमार हो गई, यही 700 करोड़ आदमी अपना अपराध प्रवृत्ति से मुक्त होने पर धरती अपने में संभल सकता है, ऐसा मेरा विश्वास मेरा मान्यता ऐसा है, तो इसके आधार पर ये पूरे बातों को आपके सम्मुख रखने के लिए हम उद्यत कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, तो कहाँ तक आप समझ पाएंगे, सार्थक हो पाएंगे
उपकार कर पाएंगे, आपके क्या संकल्प पर निर्भर है। यह हमारा कोई लगाओ फसाओ एक पैसे की नहीं, आप करिए ऐसा मैं इनकार कर रहा हूँ। आप समझने में अधिकार हैं, हम समझा हुआ बात को आपके सम्मुख हम अनुनय में नहीं करें। यदि आपका आपको आपको स्वीकार होता है, आप स्वयं तो लिए आप जीना रहे, जीने के लिए इच्छा होता है, आप प्रमाणित होंगे, प्रमाणित होने के क्रम में आप भी उपकार ही करेंगे, इसमें तो है। समझदारी के बाद आदमी गलती नहीं करेगा, एक लाइन बताएगा, कोई भी आदमी समझदार है इसका प्रमाण गलती नहीं करता और सही ही करता, इसी का नाम है समझदारी। इस ढंग से समझदारी में स्वतंत्रता क्या हुई, तो केवल इससे अच्छा हम सही काम करेंगे कल, आज से अच्छा, आज से परसों से अच्छा, कल से परसों से और आगे हम अच्छे ही ढंग से समाधान पूर्ण कार्य, न्याय पूर्ण कार्य, सत्य पूर्ण कार्यों में हम सदा सदा व्यस्त रहें, ये बात को अपन पहचान सकते हैं स्वतंत्रता। उसके बाद आता है स्वराज्य। स्वराज्य के बारे में यह कहता है, स्व भाषा का अर्थ बनता है स्वयं का वैभव, स्वराज्य, राज्य का मतलब है वैभव, हम हमारा वैभव प्रकट हो। इसका हर मानव का वैभव व्यवस्था के रूप में प्रकट होता है, यही क्या चीज है स्वराज्य। स्वराज्य के बारे में हम जो परिशीलन किया है अभी तक की, जो स्वराज्य को माना गया राजा के अनुसार चलने से स्वराज्य, गुरु के अनुसार चलने से स्वराज्य, उसके बाद जो ना सभा के अनुसार चलने से स्वराज्य, इतना तीन लहर तो गुजर चुके। ये तीन प्रकार से स्वराज्य के बारे में आदमी अपने को अर्पित करके देखा, स्वराज्य मिला नहीं, व्यक्ति हर व्यक्ति का वैभव दिखा नहीं, इसीलिए वो टूटता गया। क्या भाई स्वराज्य में क्या चीज है, हर व्यक्ति का वैभव, इस अर्थ में स्वतंत्रता के अर्थ में समझदारी के अर्थ, तो वैभव प्रमाणित। तो कैसे प्रमाणित होता है, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में वैभव, छह पल्ले है, छह तल्ले की काम, कम से कम न्याय पूर्वक जीना मनुष्य का वैभव, कम से कम न्याय पूर्वक जीने से नियम नियंत्रण संतुलित रहना होता है। अभी कल आपको बताए थे कि संवेदना है संज्ञानीयता पूर्वक नियंत्रित होते, अपने आप से नियंत्रित होते, इसमें आप हमको बहुत ज्यादा सर्कस करना नहीं होता। तो इसके पहले किसी भी संवेदनाओं को समाप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की उपदेश दिया और हम लोगों ने करके देखा, तो समाधि के पहले कोई संवेदनाएं नियंत्रित नहीं होती, संवेदनाएं सबको मिलने वाला, समाधि सबको मिलने वाला नहीं है, इस ढंग से संवेदनाएं सबके सबके साथ नियंत्रण होने के लिए कोई सूत्र नहीं, ऐसा हो गया। इसीलिए हम एक प्रकार से अराजकता के शिकार होकर के हम चले हैं, काफ़ी क्षत विक्षत हो चुके हैं, लोभ लुभान हो चुके हैं, काफ़ी पराभव के किनारे बैठे हैं, काला दीवार के सामने खड़े हैं। इन सब बातों को अपने को याद रखना चाहिए, कहीं ना कहीं आगे पीढ़ी स्वस्थ होने के लिए, सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए अपने में आशा की किरण उदय करना चाहिए, उसके लिए आपको सही ढंग से चलना है, ऐसे संकल्प करना चाहिए। बाकी सब कथा पुराण आपके सामने रखा हुआ है, हर दिन मैंने आदमी बर्बाद होने की कथा पुराण सा हर दिन पेपरों में, कथाओं में, टीवी में, उसमें, इसमें, सब जगह में फैलाई। तो अच्छा होने के लिए भी एक छोटा सा काम अपन कर, एक सौभाग्य की बात, इसमें जितने भी अभी तक हम काम किए हैं इसमें अच्छाई के वो भी प्रेरणा है, कम से कम प्रेरणा के रूप में ही करता हूँ। अभी सब में वो अर्हता आ गया, भले हम नहीं समझ पाए हों, अर्हता बहुत सारे लोगों में आ भी गया होगा और आने इच्छा तो सब में उदय हुआ ही होगा और शीघ्र प्रमाणित होते ही होंगे, अभी भी कई लोग प्रमाणित होते होंगे। मैं तो अभी कहता हूँ केवल अपेक्षा तो बनी है,
कम से कम अपेक्षा तो अच्छा होने की अपेक्षा तो दिखाई पड़ रही है, यहाँ तक हम सत्य के करो। इस ढंग से हम स्वराज्य को प्रमाणित करने की जगह में आते हैं, तब हम ये स्वभाविधि से छूट करके हम देखता है स्वराज्य। तो ये राजविधि तो समाप्त हो गई, क्योंकि राजा गलती नहीं करता है, यहाँ से शुरू किया है राजा गुरु, ये गलती नहीं कर सकता, ऐसा मान करके गुरु मानते हैं और राजा ये मान लेता है, उसके बाद सभा गलती नहीं करेगा ऐसा मान करके चलते, जबकि सभा में सभी अपराधों को वैध मानने की कार्यक्रम में लगते हैं। सभाएं जनप्रतिनिधि सभाएं अपराधों को वैध मानने में लगते हैं, इसमें कैसा होता है? ठीक है, इसके पहले राजा का युग है, राजा गलती नहीं करता है, अपन सोचते हैं राजा को अय्याशी के रूप में देखा गया, तब आदमी जात न का गया, इस ढंग से बात पूरा हो गया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, उसके लिए हम लिखा है स्वराज जी का वैभव कैसा, परिवार से हो, सभा से नहीं होता है, ना राजा से होता, राजा से हुआ नहीं है तो अब तय सुधर, सभा से हो नहीं रहा है ये भी तय सुधर, होगा कैसा भाई, परिवार से मानव का वैभव, कैसा वैभव, परिवार में जितने लोग रहते हैं सभी समझदार समझदार हैं, परस्परता में संबंधों को पहचानते हैं, मूल्यों को प्रमाणित करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उभय तृप्ति पाते हैं, इसका नाम है तृप्ति न्याय, न्याय सम हमारे परंपरागत परिवार में न्याय जो है ना जिंदा देखना शुरू करते हैं। जब तक मूल्यों को हम प्रमाणित नहीं करेंगे परस्परता में, तब तक हम परिवार में हैं, एक छत में हम जी रहे हैं, ऐसा प्रमाणित नहीं, एक छत के नीचे हम रह रहे हैं इतना ही प्रमाणित हो, रहने में और जीने में बहुत, जीने में प्रमाणित प्रमाण है और रहने में संख्या है, रहने में क्या चीज है, संख्या है, जैसा हम यहाँ बैठे हम यहाँ संख्या के रूप में मानव को गिना जा सकता है, जीने के रूप में ज्ञान ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं है, मूल्य ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं है, समाधान ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं, इन तीन मुद्दा छोड़ करके जीने का प्रमाण होता भी नहीं, जीने का प्रमाण न्यायपूर्वक हमारा जीना प्रमाणित होती है, साथ में समाधान पूर्वक जीना जीना बनता है, असत्य पूर्वक जीना होता है, इस ढंग से हम यदि जीना है, हम सभी इस छत में छत के तले बैठे हैं, हम यदि सब जीना है तब तो हम न्याय पूर्वक जीना ही, दूसरे विधि से हम आप हम सब एक साथ जिए हैं ऐसा प्रमाणित होगा नहीं, हम समाधान पूर्वक जीना ही है तभी हम आप हम साथ में जी रहे हैं प्रमाणित होगा, वो सत्य पूर्वक सहस्त्र तो पूर्वक जीना ही है तभी हम जीने का सब प्रमाण होता, और तीन विधि को छोड़ करके चौथे विधि को अपन निर्मित नहीं करता, ठीक है, इस ढंग से स्वराज्य का जो प्रमाण है, तो परिवार में पहले हम न्याय पूर्वक जीते हैं, समाधान पूर्वक जीते हैं, सहस्त्र तो पूर्वक जीते हैं, तीन विधि से हम जीते हैं, जब 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 जितना जितना जरूरत है उस ढंग से हम नहीं रहते, कुछ काम करना है सोचना है सम्मिलित रूप में सोचते हैं, सम्मिलित रूप में करते हैं, सम्मिलित रूप में जीते हैं, सब ठीक है, करने की जगह आता है तो हम सम्मिलित रूप में सहमति से जो कार्य करते हैं, सहमति से प्रतिफल पाते हैं, सहमति से उसका उपयोग करते हैं, स्वास्थ्य विधि से उपयोग करते हैं, इस ढंग से हम सहस्त्र विधि को छोड़ करके कहीं भाग नहीं पाते हैं, समझदार के बाद वो हम अच्छे ढंग से जी पाते हैं, जी पाने की स्थिति में आने की बात ही मानव का स्वराज्य प्रमाणित होना शुरू हुआ, जीना जब शुरू हुआ तब से स्वराज्य शुरू हुआ, जब तक सामने रहने मात्र से स्वराज्य होता था, ठीक, अभी जितने भी राजतंत्र की बड़े बड़े इमारत बने उसमें उस छत में एक साथ
200, 400, 1000, 2000, 10000 अपने वहाँ बैठते हैं तो रात साथ में रहते हैं, जीते नहीं। अब क्या होगा जब वो जो बड़े बड़े इमारतों में गर्मियों में रहने वाले जब अपने को स्वराज्य को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, बाकी जो रक्षा चलाने वाला क्या प्रमाणित करे? ये बात सोचने की मतलब एक सोचने की कथा है और कुछ नहीं है। इसमें आरोप प्रत्यारोप से हम कोई खास विश्वास नहीं रखता हूँ। घटना को हम वर्णन करने में हम भयभीत नहीं हो, आरोप प्रत्यारोप में हम कोई विश्वास रखता नहीं, घटनाओं को वर्णन करने में हम भयभीत नहीं हो, ये मैं बता रहा हूँ। इस विधि से मेरे स्थिति को आपके सम्मुख वर्णन किया, ठीक है। अभी हम हमारा स्वराज्य की बात ये शुरू हुई, परिवार से शुरू हुई। ऐसा दशरथ परिवार के बीच में स्वराज्य होता है, ऐसा दस दस की दस टोली के साथ स्वराज्य होता है, ऐसा बढ़ते बढ़ते विश्व स्वराज्य होता है, दस दस को जोड़ते जाए, उसको नाम दिया है परिवार। दस व्यक्ति, दस समझदार व्यक्तियों का परिवार, मैं स्वराज्य प्रमाणित होना चाहता हूँ। क्या प्रमाणित होता है? कुछ है स्वराज्य का पहला खेप है समाधान समर्थन, ये दो चीज हर परिवार में प्रमाणित होती है। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं, चल करके एक देशव्यापी विधि से हम यदि स्वराज्य को प्रमाणित करना शुरू करते हैं, समाधान समृद्धि अभय प्रमाणित होता है। विश्वव्यापी विधि से हम पहुँच जाते हैं तब समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व प्रमाणित होता है। चारे बार प्रमाणित होता है, मानव का लक्ष्य चारे, इससे पांचवा कोई लक्ष्य बोलता नहीं। इन चार लक्ष्यों को प्रमाणित करना ही स्वराज्य का स्वरूप है। इस ढंग से स्वतंत्रता स्वराज्य थोड़ा सा एक सूचना के रूप में आप तक पहुंचा है, इसके ऊपर आप लोग काफी सोच सकते हैं। इससे संबंधित वांग्मय सब तैयार बैठा है, यहाँ भी मिलेगा, संसद कई जगह में मिलने लगी है, आपको पता है। तो इस ढंग से आप हम एक अच्छे स्थिति को पा सकते हैं। इस स्वतंत्रता स्वराज्य के संबंध में जो कुछ भी मैंने प्रस्तुत कर पाया, इसके ऊपर किसी को शंका या कोई और कुछ अच्छा समझने की इच्छा होने का प्रश्न हो तो उसका उत्तर देने के लिए मैं बैठा हूँ। दो मिनट तक इंतजार करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। परिवार को और परिवार की अवधारणा को और कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं राम जी भाई। परिवार की अवधारणा को और थोड़ा खोल दीजिए। परिवार एक शब्द है जो पवित्रता से गतिशील रहना परिवार का नाम है। पवित्रता से गतिशील रहना परिवार, कितना भी संख्या बढ़ते जाए, विश्व परिवार नामे दिया हमने, सारा विश्व का मानव पवित्र रूप में चलता है, विश्व परिवार हुआ, ठीक है। उससे छोटे से छोटा क्या हुआ, दस व्यक्ति का परिवार हो गया। दस व्यक्ति पवित्र रूप में चल पाते हैं, गतिशील रह पाते हैं, परिवार हुआ। पवित्र रूप में चल नहीं पाते हैं, परिवार नहीं हुआ, एक छत के नीचे रहने वाले हो गए, जीने वाले नहीं हुआ। जीना है पवित्रता, जीना जीने के लिए समझदारी ही वस्तु है। समझदारी के बात बारे में तो स्पष्ट हो गई है, जो ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, इसकी इस विधि से योजना परियोजना होकर के फल परिणाम में आते हैं, पुनः समझदारी के अनुरूप फल परिणाम होना चाहिए। इस ढंग से जीना पवित्रता का प्रमाण। इसमें कोई तकलीफ हो तो बताना चाहिए, इसमें कोई आवश्यकता नहीं हो तो बताना चाहिए, आवश्यकता है तो अपना कर्तव्य ही होता है, अपने को जी जान लगाना ही, दूसरा कुछ होता है, ठीक है। तो मेरे अनुसार सब मानव के लिए आवश्यक है, इसीलिए सर्व मानव इसको स्वीकारेगा कि आज नहीं कल अध्ययन से पारंगत होगा और जीवन में प्रमाणित करेगा,
हर शरीर यात्रा इसको प्रमाणित करता जाएगा, यह धरती स्वर्ग होगा, मनुष्य देवता के रूप में ही मिलेगा और सतत हमारा जो धर्म मानव धर्म सुखी होने का है वह सतत सफल रहेगा, निरंतर सुख देते हैं। हम अभी यहाँ भी सुख, रास्ते में भी सुख, घर में भी सुख, काट में भी सुख, सब जगह में सुख ही देखने, शुभ ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार से सर्व सुख की बात आती है। इस पर यदि विश्वास कर पाते हैं आप हम प्रयत्न कर सकते हैं। अभी तक की किया हुआ प्रमाण कर किया हुआ प्रयास हमको समझदारी के घाट तक पहुंचाने में असमर्थ रहा और आदर्शवादी विधि से सर्वमानव को समझदारी के घाट पर पहुंचाने में सर्वथा असमर्थ रहा। उसके बाद भौतिकवाद आया, ये और भी कुछ कर क्या कर दिया, सुविधा संग्रह के दास बना दिया। पहले क्या था, आस्था, आस्था के लिए आधार था भक्ति विरक्ति, वो टूट गए। कितने तो बात हुए, कितने तो गतियाँ हुई आज तक, मनुष्य का गति इतने ही हुआ जो समझदार मानने की बात। धरती में, इस धरती में मानव अपने को समझदार मानने की बात, ये दो घटना हुआ है। तो ईश्वरवादी आदर्शवादी विधि से भक्ति विरक्ति प्रस्तावित हुई, उसके उसके साथ मान्यता के आधार पर कुछ संयमता से रहना है, ये स्वीकार हुई। उसके बाद भौतिकवाद आया तो तर्क का रास्ता खोल दिया, तर्क संगत विधि से आस्था तय नहीं हो पाई। इतने बात हुई, तर्क संगत विधि से आस्था जब तय नहीं हो पाया उस स्थिति में सुविधा संग्रह के चक्कर में हम आ गए। अभी आज के जो ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों सुविधा संग्रह के दरवाजे में खड़े, आप देख लीजिए कोई आदमी नहीं बचता। यदि बचता है यही ज्ञान है, सहस्तित्व वाले ज्ञानी ही है इस दरवाजा से बाहर। क्या है, कैसा होता है वो मॉडल, वो मॉडल बनता है समाधान समृद्धि संपन्न परिवार। अब आप हमको ये सोचना है समाधान समृद्धि संपन्न परिवार में जीना है या हम सुविधा संग्रह के चक्कर में दरवाजा में भिखारी बना रहना है, उसको आप हम सब अकेले अकेले में तय करना है, हर व्यक्ति तय करना है, हर व्यक्ति का यह अधिकार। कोई एक व्यक्ति का निर्णय इसमें कुछ भी नहीं चलता, हर व्यक्ति को तय, ये हम मानते। तो इस ढंग से क्या हुआ, तो परिवार कैच हुई पवित्रता सहाय परंपरा, क्या हुई पवित्रता सहाय परंपरा गति। और क्या गति है, समझदारी से जीना। समझदारी से जीने का क्या पहला प्रमाण है, समाधान समृद्धि। दूसरा प्रमाण क्या है, इससे विशाल समाधान समृद्धि अभय। उससे ज्यादा संपूर्ण विशाल क्या चीज है, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व प्रमाण सहित जी। इतना ही बात, हर व्यक्ति इन चारों भागों में जी पाता है माने संपूर्ण पूर्ण जागृति से जिया, यही दिव्य चेतना का मतलब। पहले बताया परिवार में जीना क्या चीज है, मानव चेतना। समाज में जीना क्या चीज है, देव चेतना। अखंड समाज रूप में जी पाना देव चेतना से कम में होता है और सहस्तित्व में देना दिव्य चेतना। तीनों अवस्था में हर व्यक्ति जी सकते हैं। मेरे अनुसार मैं जीता हूँ, हम जी सकता हूँ। अभी सहस्तित्व में जीने के लिए अखंड सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज व्यवस्था नहीं हुआ है अभी, पर हम प्रमाणित करने की जगह में तो नहीं हूँ, किंतु हम जी सकता हूँ ये मुझ में विश्वास। तो इसी प्रकार की विश्वास हर व्यक्ति में स्थापित हो सकता है समझदारी के साथ। इतना हम कह करके आपसे पुनः मैंने कृपा चाहते हैं, इसमें कोई परेशानियां हो तो पूछ सकते हैं। परिवार का मतलब मानव परंपरा की में ही बनता है, मैंने ये जो जीव जानवर को लेकर के परिवार को गणना नहीं होता है, मानव परिवार ही होता है। मानव परिवार में जीव संसार के साथ संतुलन, वनस्पति संसार के साथ नियंत्रण,
और वस्तु संसार के साथ संतुलन के साथ जीना, ये नियम नियंत्रण संतुलन न्यायपूर्वक जीने की विधि से हम परिपालन करते हैं। मैंने न्यायपूर्वक मानव के साथ जीना बन जाती है तो बाकी संसार के साथ, मैंने जंगल के साथ, खनिज के साथ, जीवों के साथ हम नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीते, इनके साथ हम अपराध करना छोड़ देते, कत्ल घर अपने आप से खत्म होता, हम अभी चिल्लाते हैं कर बंद नहीं होते, ठीक है, अभी चिल्लाने वाले बहुत सारे हैं, बंद कहाँ होता है, वो तो बनता ही, ठीक है। इस तरह से मानव जो है ना अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए अपना एक निश्चित आकार देते हैं, जिसको अपन डिजाइन करते हैं, उस ढंग से देते हैं तो पूरा का पूरा ऐसा होता है, अहिर सत्व विधि से जीना ही बनता है, समृद्धि विधि से जीना ही बनता है, व्यवस्था विधि से जीना ही बनता है, तीनों बनता है। इसको इन तीनों को छोड़ करके हम कहीं न्याय नहीं कर सकते, न्याय को अकेले में हम पा जाएंगे ऐसा कुछ नहीं, इन तीनों पालन करने के साथ ही हम न्याय पालन करेंगे। इसलिए बाकी अन्य प्रकृति के साथ हम जीते हैं किंतु अन्य प्रकृति के साथ परिवार नहीं होता। परिवार जो है ना मानव का ही परिवार है, समझदार मानव का ही परिवार है, और समझदारी के बाद व्यवस्था में जीने वाला ही परिवार है, और कोई परिवार होता नहीं। परिवार परिवार के जगह में क्या होगा, साथ में रहना होता, साथ में रह करके तो अभी तक हम बहुत दूर तक चले हैं, बहुत दूर से चले हैं, बहुत समय से चले हैं, हम बारंबार चल चुके हैं, किंतु साथ में रहना में तो हम हमको जो है संतुष्टि तो मिला नहीं है, संतुष्टि मिला नहीं है। अभी अभी हमारे पास एक भोपाल से एक बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रकोष्ठ बनाया है नारी अध्ययन, नारी को मानव संज्ञा में पहचान, नारी सशक्तिकरण, ये तीन ऑब्जेक्ट है, इन तीन ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया है, उसका जो डायरेक्टर है वो प्रोजेक्ट ऑफिसर दोनों हमारे पास पहुंचे। उस समय में उनके साथ जो संवाद हुई है उसके साथ ये तय हुई है, समझदारी के जगह में हम समानता को अनुभव कर सकते हैं, मानव संज्ञा समझदारी के साथ है, वो संख्या के साथ नहीं, टेक्निक के साथ नहीं है, वस्तु के साथ नहीं है, धन के साथ नहीं है, बंदूक के साथ नहीं है, बारूद के साथ नहीं है, दंडे के साथ नहीं है, केवल रूप के साथ नहीं है। ये बातें कि अब किसके साथ एक तो एक रूपता है, समझदारी के साथ एक 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 समानता है, और अधिकार समान है, स्वत्व समान है, अधिकार समान है, स्वतंत्रता समान है, स्वराज्य समान, चारों भाग के बारे में तय हुई, उसके आधार पर एक सिलेबस बन रही है, वो प्रोजेक्ट ऑफिसर उसको तय कर रहे हैं, वो यदि तय होता है यूनिवर्सिटी स्वीकार होता है कार्य रूप में आ सकता है। ये बात इसमें गौड़ साहब को भी याद किया गया था, उस वो तैयार होने के बाद शायद है आपके पास भी प्रस्तुत होगी, उस पर आप एक नज़र डालें, ऐसा बात होगी, ठीक है, ठीक है, ये होना पड़ेगा ना। हाँ, ये इस बीच में हमारे पास एक विचित्रवीर सिंह नाम की सज्जन नया प्रस्तुत हुए हैं, तो मानदास है, वो MMIT की हैं, वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद आपको ये कहा है, तो चेतना विकास मौलिक शिक्षा संबंधी सिलेबस बना करके हमको कहें, वो उनको उनके बारे में चाहे तो चाहते हैं तो उनको बुला करके उनसे सुन सकते हैं कि क्या बोले हैं, क्या करने वाले हैं, इसको सुन सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ये ऐसी बात नहीं, ये भी आपके साथ ही करेंगे। उनके साथ मैं कहा हूँ कि आप बागड़िया गुप्ता और शांकर चार लोगों के साथ मिल करके इसको सिलेबस को पूरा, ऐसा नहीं कहा, ऐसा एक सिलेबस हम 14 वर्ष की बना के लिए उसको भी देखा जाए,
उसको और कितना समर्थ बनाया जा सकता है, उसको सोचा जाए, समर्थ बना करके दिया जाए, उसके बाद है ना उसमें किताब जो जो गाइड बुक जो बनती है उसमें पांचवी कक्षा तक की गाइड बुक बना करके अमरकंटक में रखा है और 7 वर्ष की बनाना शेष, ऐसा बात है 12 कक्षा की बनाना, ये आपके लिए बताया, एक एक अवसर बताया। इस ढंग से अवसर अपने आप से तैयार होती है जाके, उसको क्या कहें, तो मनुष्य की कहीं ना कहीं शुभ के प्यास ही है जो ये सब पैदा करता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। ठीक है, अभी कई दिन पहले 4-5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले हम चित्रकूट यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ भी चेतना विकास की चर्चा हुई किंतु वो निर्णय नहीं कर पाए, वो रह गया, किंतु अभी हम निर्णय करने योग्य हैं, निर्णय कर सकते हैं, इसको कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं, इतना ही आशा रख करके अपन गच्छे। ठीक है, अब आगे और कोई प्रश्न करने वाला हो, दया हो, हरी है, और कोई पूछने की बात, रामजी भाई जी के जो बताए थे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, बहुत बात है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ आकर के कृपा करें तो क्या पूरा नहीं हुआ हम समझाऊँ थोड़ा सा अब तक। परिवार आता है ना, जब परिवार शब्द आता है कहीं भी कहने में, तो परिवार जो आज हमारा रक्त संबंधी जो शरीर संबंधी जो परिवार है जिसमें संबंधों का पहचान कराई जाती है, मैं चाहता था कि उसमें और ये जो पवित्रता वाली बात जो आप कहें उसको खोलना चाहिए, उसके बारे में बताया ना बाबा। और उसमें भी 10 परिवारों की भी चार ने बताया जिसमें समाधान समृद्धि को स्थापित करना है, तो ये कुछ शायद छूट गया, छूट गया कि स्पष्ट नहीं उसको अंत नहीं किया, उस बात को अपन अभी परिशीलन कर परिवार बाहर निकल करके कहीं ठसकने जाए, समाज की ओर न जाए, समाज की ओर जाए तो परिवार न छूट जाए, इस तरह का सारा। अभी आपका भाव तो आपको समझ में आ गया, परिवार के बारे में एक अच्छा स्वीकृति होने के लिए और थोड़ा सा प्रयास किया जाए ऐसा कह रहे हैं, उसको हम शिरोधारी किया हो तो इसमें कुछ भी नहीं है, पवित्रता से चल पवित्रता संपन्न गति ही परिवार एक सात्विक रूप में बताया, वो क्या चीज़ें पूछे, वो समझदार परिवार की है, समझदारी क्या है पूछा, तीनों प्रकार की विधि से हम जो समझ पूरा ज्ञान संपन्न होते हैं ये समझदार है, अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यता पूर्ण आचरण ज्ञान, ये तीनों होने से हम समझदार होते हैं, इन इनके आधार पर ही हम विवेक विज्ञान संपन्न होते हैं, जिसके आधार पर हम जो है ना योजना परियोजना बनाते हैं, योजना परियोजना का फल परिणाम होता है, वो यदि हमारा ज्ञान के अनुरूप होता है, ज्ञान के लिए पुष्टि देता है, ज्ञान के लिए अनुकूल होता है, वो समाधान, ये पवित्र गति, ये बात को बताया था, ये 10 व्यक्ति की परिवार में हर परिवार में इसको परीक्षण किया जा सकता है, हर 10 व्यक्ति कर सकते हैं, हर 10 व्यक्ति हम इस बात कर इस प्रकार की परिक्रमा में हम पूरा है या नहीं है इस बात को हर 10 व्यक्ति प्रमाणित कर जो मैंने उसका परीक्षण कर सकता है सत्यापित कर सकता है, ऐसा बनी व्यवस्था ऐसा बना, इसके आधार पर हम आपसे अनुरोध किया था ऐसे पवित्रता जो गति है वो 10 व्यक्ति की परिवार में से शुरू होगी, उसके बाद ऐसा 10-10 व्यक्ति की 10 परिवार के 10 समुदाय के साथ जाएगी, वो ऐसे जो 10-10 की 100 के 10 मिल करके एक परिवार बनाएगी, उसका नामकरण दिया है परिवार, परिवार समूह, ग्राम परिवार, ग्राम समूह परिवार, और क्षेत्र परिवार, क्षेत्र क्षेत्र के बाद मंडल मंडल परिवार, मंडल समूह परिवार, और उसके बाद मुख्य राज्य परिवार, प्रधान राज्य परिवार, विश्व राज्य परिवार, नाम दिया,
इसका विधि बताया। एक ऐसे होते हैं इसमें जनप्रतिनिधि जो है वो 10 व्यक्ति की परिवार से शुरू होता है, 10 व्यक्ति के बीच में से एक व्यक्ति को मनोनीत करना, 10 व्यक्ति वो एक जनप्रतिनिधि जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होना है, बिना खर्चे की जनप्रतिनिधि प्राप्त हर 10 व्यक्ति के बीच में से। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से 10% व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में मिलते। ऐसे ऐसे प्रतिनिधियाँ ग्राम परिवार में, ग्राम समूह परिवार में 9 रह जाते हैं और ग्राम परिवार में 9 रह जाते हैं, ग्राम समूह में 9 रह जाते हैं, क्षेत्र में 9 रह जाते हैं, मंडल में 9 रह जाते हैं, मंडल समूह में 9 रह जाते हैं और मुख्य राज्य में, राज्य परिवार में 9 रह जाते हैं और उसी प्रकार से चल के प्रधान राज्य परिवार में 10 पर। इस ढंग से तो हर 10 व्यक्ति के बीच में निर्वाचन की बात। अभी हम क्या कह रहे हैं, करोड़ों के बीच में, लाखों के बीच में निर्वाचन की बात कर रहे हैं। उसमें चोरी चमारी चप बंदूकधारी बामधारी और क्या है जान मार माने बाम और क्या तो फिदाइन क्या क्या तो लिखते रहते हैं पेपरों में, हम सबको याद ही नहीं रख पाता। इतना ज़्यादा नाम हो गया है मार मार काट के, हम कुछ सबका नाम ले भी नहीं पाता, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसके स्थान पर केवल 10 व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति का निर्वाचन सीधा सीधा और 11 व्यक्ति की जरूरत। इस तरह से मनुष्य का जो निर्वाचन किसी परिवार से मिली हुई जनप्रतिनिधि एक एक परिवार में, ऐसे 10 व्यक्ति से मिली हुई एक एक व्यक्ति मिलकर के एक परिवार है, अर्थात उतने ही गुण वाला, उतने ही समझदारी वाला, उतने ही विवेक वाला, उतने ही विज्ञान वाला, उतने ही शुभ के लिए चाहत वाला बनेगा। शुभ के चाहत सभी सुखी होने तक चाहत बना ही रहना है, इसको आप हम कहीं रोक नहीं पाएंगे। सर्वशुभ होते घटित होने की बात परंपरा है, सर्वशुभ का चाहत तब तक बना ही रहेगा। ये ऐसा मेरा सोच, ऐसा सर्वशुभ चाहने वाला जनप्रतिनिधि हर परिवार से हमको उपलब्ध होंगे, तभी पवित्र परिवार की मतलब समझ में आता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है।